गया। ऐ शाबाश। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है। एंड आज है विश्वकर्मा डे, और आज के दिन अपनी जो गाड़ियाँ होती हैं ना, सभी गाड़ियाँ कारोबार उन सभी चीज़ों की ना सफाई करके पूजा की जाती है। तो अभी हमारे को उठा लिया गया, तो अभी हम अपनी कार निकालेंगे। ऋतिक तो बाइक धो रहा है, देखो वहाँ पे लगा हुआ, और बाइक धोने की पूरी कड़ी मशक्कत कर रहा है। और मैं अभी उठा हूँ, और मेरी रानी येरी इसको निकालते हैं। रानी बाहर निकाल दी, अब ऋतिक येरा और येरा सामान। कार की सफाई तो मैं ही करूंगा। कार होगी, कार धोई गई, ऋतिक उसको सुखा रहा है। एक बार साफ करके हम इसको सूखे कपड़े से भी धोते हैं, साफ करते हैं। तो अभी ऋतिक बस वही काम कर रहा है, उतनी देर में कंप्यूटर कर लूंगा। मेरे सीपीयू को अंदर तो मकड़ियों ने घर बना रखा है यार, इसको साफ करते हैं अभी। ये देखो मकड़ियों ने कितने जाले जाले कर रखे हैं यहाँ पे, कमाल ही है। सीपीयू पीसी तो हो गया, अभी ये सफाई कर ले। हमारे कंप्यूटर जी की भी पूजा होगी, हमारे उस्ताद जी। तो गाड़ी जी की भी पूजा होगी, अपन अंदर लगे थे, बाहर इनकी पूजा हो गई। लो जी, और इधर बाइक जी भी, ओके रिपोर्ट। सारे काम कुम करके सो गए, देख लिया ना। सारे काम कुम करके सो गए हैं अपन, अभी बस सोने की तैयारी करने लगे हैं। परोंठे वगैरह खा लेते आज आलू के, और भर के खाए तो फिर आज थकान और नींद ज़्यादा है, इसलिए अपन सो जाएंगे। बाकी शाम को या कल फिर वो अपने दोस्त की शादी भी तो आ गई है ना, उसकी भी तैयारियां करनी है, क्योंकि पता नहीं क्या डालना है क्या नहीं डालना, वो आप शाम को देखेंगे। बाकी गाड़ी भी धुल गई, पूजा होगी, गाड़ी कार की बाइक की, और अपने
कंप्यूटर जी की, अपने कारोबार की, अपने इक्विपमेंट्स की, सभी की पूजा करनी चाहिए, अच्छी बात होती है। जो आपकी पूरा साल, पूरी ज़िंदगी आपके काम आने वाली है, आप उनके लिए इतना नहीं कर सकते क्या? तो जय हो हर किसी की। काम करो, श्रद्धा से करो, सारे काम करो यार, कौन मना करता है, मगर हर चीज़ की रिस्पेक्ट जरूर करो। कुछ भी है, कार है, काम है, बॉस है, घर वाले हैं, बाहर वाले हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, सभी की रिस्पेक्ट करो, तभी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे। इनकी दुआएं भी बहुत ज़रूरी होती हैं भाई साहब। अभी शाम हो गई है, और शाम को जैसे कल वो लगाए थे दिए, वैसे आप आज भी लगाने हैं, तो वही करने लगा था। ऋतिक तो गायब ही हो गया, ऋतिक पन्नी खेलने को निकल गया। घर पे बचता है एक, उनका एक एक इकलौती औलाद, क्योंकि दूसरी तो बाहर है, अंदर पे ये है, तो काम ये को करने पड़ेंगे, तो करते हैं जाके। ये सब कुछ हो गया, मतलब दीवे जल गए, ये देखो दीवे जल गए, और अब इनको रखते हैं जहाँ जहाँ इनको रखना है। दीवे रख दिए, अभी तक कई लोगों की दिवाली नहीं ख़त्म हुई। एक वहाँ, यहाँ 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 यहाँ, और एक बार फिर से देख लीजिए हमारे घर की तैयारी, क्योंकि हो सकता है ये आखिरी बार ही हो, मतलब आखिरी बार नहीं, आज का लास्ट डे हो इनका, फिर उसके बाद शिवरात्रि भी लगेंगी। कि जो दिन आएंगे तब तब लगेंगी, क्योंकि अभी के लिए कल इनको उतार देंगे सुबह सुबह, 12 बजे से पहले पहले करना पड़ेगा, क्योंकि 11 बजे के या 12 बजे हमको सौरभ के घर भी जाना है। डीजे पार्टी होगी, नाचेंगे नाचेंगे नाचेंगे। अरे भैया जी, ये खाएंगे, मगर ये लाइन पता नहीं कौन चट कर गया, दोनों की दोनों, ये तो मेरा है ना। करते हैं लॉक एंड, और मिलते हैं वो कल, और कल तो जाएंगे फंक्शन पे, तो कल आपके लिए पार्टी वाला व्लॉग होगा। शायद हो सके कल ना ही आए, क्योंकि बाहर जाऊंगा तो फिर अपलोड कैसे करूँगा। बाकी देखते हैं क्या होता है, आई ट्राई माई बेस्ट, हो सके तो आई विल पोस्ट, नहीं हुआ तो कल की छुट्टी होगी, परसों व्लॉग आ जाएगा। पर अभी आने वाले 2 दिन थोड़े कठिन होने वाले, क्योंकि सफ़र भी आ गया भैया जी, सफ़र, हिमाचल का सफ़र आ गया, लेके चलेंगे आपको। तब तक के लिए सेफ रहें, सुखी रहें, खुश रहें, और मिलते हैं अब आपको कल, आई थिंक सो, कल इन अ नेक्स्ट व्लॉग, या परसों इन अलेक्स मॉल। तब तक के लिए जय माता दी, फिर मिलेंगे चलते 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 इन नेक्स्ट लॉ।